जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपको अपने परिवार एकलव राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 17.2 के आगे के सवाल। तो आज अपन क्या करेंगे, 5 सवाल से स्टार्ट करेंगे सवालों को सीखना। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आपके सामने सवाल है ना, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, आपको आशा करता हूँ वो सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वो सवाल समझ में नहीं आया तो बच्चा नहीं प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत है तो मैं कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इस सवाल को समझते तो बहुत आसान है, कुछ नहीं। देखो, एक समचतुर्भुज का परिमाप, अरे हमने ये घर की बात है, कह रहे समझ में परिमाप 52 सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं। कह रहे एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की। हमने ये घर की बात है चाचा, अभी बता देंगे, देखो तुम कैसे। तो हमने कहा सबसे पहले परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप लिखे पहले, सम चतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया आप सबको, 52। तो आप सबको समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक सी हो, तो लिखेंगे 4a बराबर कितना, 52। ठीक है, जो गुणा में है तो काय में आ जाएंगे, आप सब जानते हो, भाग में आ जाएंगे। काय में आ जाएंगे, भाग में। काय में आ जाएंगे बच्चा, भाग में। काय में आ जाएंगे बच्चा, भाग में। 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 13 में। तो अपन को पता चल गया इसकी एक भुजा कितनी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कितना है, तो इधर मैं बना देता हूँ, आप बढ़िया इसको देख ले। 13 सेंटीमीटर जी है, 13 सेंटीमीटर जी है, यानी अब इसकी चारों भुजाएं क्या है, 13 सेंटीमीटर वाली होंगी। ठीक है, 13 सेंटीमीटर जी है और 13 सेंटीमीटर जी है, जिसको ना अपन ए बी सी डी। ठीक है, आप क्या किया, इसको गुस्सा आ गई तो कह रहा हूँ विकर्ण डाल दूंगा मैं। ठीक है, डाल दो, ये घर की बात है, उसने विकर्ण डाल दिया। ठीक है, जो कितने का, 24 सेंटीमीटर का है। अब आपके दिमाग में टच कर गया होगा, इसमें दो त्रिभुज बन चुके हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस अब क्या करना, कुछ रह गया, आप कहोगे नहीं भैया कुछ नहीं रह गया। तो मैं आपसे कहूँगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी भुजाएं ए बराबर मान क्या होगा, तो ए बराबर कितना मान लेंगे, 13। बी बराबर कितना मान लेंगे, 13। सी बराबर कितना मान लेंगे, 24। ठीक है, इतना हो गया। अब सेम टू सेम कंडीशन देखो इसमें भी है, क्या है, त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, ए सी डी में, ए बराबर भी कितना है, 13 ही है, बी बराबर भी देखो 13 ही है, और सी बराबर कितना मान लेते, 24 मान लेते। ठीक है, चाहे जो तुम कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों सेम टू सेम बात मिल रही तो डबल करके काम नहीं चलेगा, आपके दिमाग में भी आ रहा है हाँ चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है कि जब एक से ही है भैया, तो उनका डबल करने में कौन सी बड़ी बात है, उनको डबल करके काम चला देंगे, देखते हैं अपन। अपन उतना समझ में आ गया आपका, हाँ। तो आपको क्षेत्रफल निकालने की सबसे पहले अर्ध परिमाप, तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालोगे तो क्या होगा, ए प्लस के बी प्लस के सी बटे दो। तो आप सब जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया, जी लिख लेंगे 13 13 बटे 24। तो 13 प्लस के 13 प्लस के 24 बटे 2। तो जैसे ही आप इन सबको जोड़ोगे, जैसे ही आप इन सबको जोड़ोगे, तो 13 दूनी 26, 26 और 24 कितने होते, आप तो सब जानते हैं 26 24 50 होते हैं, 50 बटे 2 लिखेंगे, काटेंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया, कितना आ गया, 25। तो यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया अपना, 25 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट के कोष्ठ में एस, क्षेत्रफल क्या होता है, एस कोष्ठ में एस माइनस के, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है, हीरो जो हीरोनी थी वही तो सूत्र लग रहा है। देखो अब मैं आपसे कहूँ एस का मान कितना, तो आपको 25 है, एस का मान रख दीजिए, हमने कहा ठीक है, लिए रख दिया, गुणा कह रहे एस का मान कह रहा 25 तो है, मैंने कहा ये का कह रही है एक का 13 है, 13 देख लो, मैंने कहा वेरी गुड, फिर गुणा 25, बी का ही मान कितना है 13, फिर गुणा 25, एस का मान तो 25 होगा, सी का मान कितना कह रहा 24 तो है, रख लो। मैंने कहा सारे तुम शर्मा आ रहे हो, देखो शिल्पा तो कुछ बोल ही नहीं रही है, क्योंकि वो बेचारी डर गई है, क्या हो रहा, सेमी सेमी से लगी। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे अच्छी तरीके से, ये 25 गुणा घटेंगे 25 में 13, तो आप सब जानते भैया कितने बचेंगे 12, इधर भी घटेंगे 25 में 13 कितने बचेंगे 12, आप सब जानते हो इधर 25 कितना घटेगा। तो मैं आपसे कहूँगा इससे कितनी बाहर आ गया, आपको ये 5 बाहर आ गया, क्योंकि ये 5 का वर्ग होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 गुणा 5। तो 12 को तोड़ने की जरूरत नहीं, भाई साहब मिल ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक को भी लिखने की जरूरत है, लिखना हो तो लिख लो, दो बार कोई दिक्कत। देखो 5 से कितना बाहर आ जाएगा बच्चा, 5, 12 से कितना बाहर आ जाएगा आपको, 12 एक से बाहर कितना आ जाएगा, 12 पंचे कितने होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपका इतना आ गया, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको आपको कुछ नहीं करना, सेंटीमीटर स्क्वायर आप क्या करना है, कुछ नहीं, बस अब समचतुर्भुज का निकालना, तो लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो आप सब जानते हो दो गुणा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकला आपको, 60 60 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पहले आपने परिमाप निकाला, परिमाप के आधार पर चित्र बनाया, चित्र विकर्ण दे रहा था विकर्ण डाला, जिससे मैं त्रिभुज के दो भागों में बट गया, जिससे कि मैं त्रिभुज का पहले अर्ध परिमाप निकाला फिर क्षेत्रफल निकाला। अपन को लग रहा है कि देखो पूरा सेम टू सेम है, सिर्फ आधे अलग, मैंने उसका डबल कर दिया, पूरा क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अगर इसकी भुजाएं अलग अलग होती तो फिर दोनों का निकालते और फिर दोनों का बच्चा जोड़ते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब बच्चा आपके सामने है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 थोड़ा अलग था, इसलिए अपन उसको साइड में रख दिया, उससे भी निपटेंगे बाद में निपटेंगे। शिल्पा तो खुश हो गई, करी ठीक है ये मजा आ गया, आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी प्रश्न नंबर 7 को समझते बहुत अच्छे तरीके से, फिर उससे भी लड़ेंगे यार, सबसे लड़ना है, लेकिन जिनको भी मारने मजा आ रहा ना फिर उनसे लड़ेंगे, तब और मजा आएगा, ताकत मिलती है। ठीक है, तो क्या कह रहा प्रश्न साहब, एक चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक कह रहा, 5 6 12 14 15 मीटर इस क्रम में ली गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा था पहली दो भुजाओं के बीच का कोण क्या, जे मेन कोण, जे कह रहा है कि पहली दो भुजाओं के बीच का कोण क्या है, चाहे समकोण है, नहीं पहली दो भुजाओं, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, समकोण है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और 5 × 12 हो गया, कितना हो गया 12। अब इसके जो बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, जे कोण समकोण बनेगा। ठीक है, अब अपन से क्या कह रहा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो अब डी, अब तो ये 14 है, क्या है ए बी, जे ए का मान, ये बी का मान, तो ये कितना है 14 है, ये कितना बच्चा 14, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, पहले इसको लिख लेते थे बच्चा 5 और 12, तो जब हम नीचे मान ली तो उसकी 15, तो 15 की थोड़ी भुजा और आगे चली जाएगी, क्या चली जाएगी, क्या चली जाएगी आगे, वो तो 14 है, तो 14 क्या उठेगा, ऊपर उठेगा, इधर क्या उठेगा, ऐसा उठ जाएगा, और 15 को ऐसा रह जाएगा। ठीक है, आप इसको नाप तोल के बना दो तो ऐसे चित्र बनेगा आपका। ठीक है, इसको मान लो आप कितना 14 सेंटीमीटर, क्या 15 सेंटीमीटर मान लो इसको, और इसको मान लो 14 सेंटीमीटर, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी हो जाए। ठीक है, इसको अपन ने ऐसा चित्र बना दिया, इसे बीच में से इसीलिए काट दिया क्योंकि फिर उसकी भुजा निकाल लेंगे तभी इसका अपन क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो एक त्रिभुज का जीव निकल आएगा, एक त्रिभुज का धन निकल आएगा, अपना सवाल भी हल हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कुछ नहीं, देखो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का बीच का वो खुद कह रहा है कि दो भुजाओं शुरू की जो दो भुजाएं उनके बीच का कोण क्या बच्चा, समकोण, था 5 और 12 के बीच में एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका एंगल 90° का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है जी, बन गए। अब कह रहे हैं 14 और 15, ठीक है आप 15 को इधर लिख दो तो भी दिक्कत नहीं हो, 14 को इधर लिख दो, 15 को इधर लिख दो तो भी दिक्कत नहीं, जहां आपका मन है वहां लिख सकते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस ए बी सी होगी और जी भैया कौन सी होगी, डी। ठीक है बच्चा, अगर समझे, लेकिन दिक्कत तब होती है वो खुद कहता है कि ए बी कितनी लंबाई, सी कितनी, वो कुछ कह ही नहीं रहा, तो मेरे मन से कहीं भी रख लो 14 को, 14 चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। ठीक है बच्चा, तो डरना नहीं उससे। अब हमारा चित्र आ गया, तो अपन को सबसे पहले ये भुजा निकालनी है, अगर ये भुजा निकाल ली अपन ने तो समझ लो अपना सवाल हल हो गया, और ये भुजाएं निकली तो दिक्कत हो, तो अपन इस भुजा को बच्चा कैसे निकालेंगे, अपन को पता है जो दो भुजाएं वो कर्ण निकालना हो तो होती समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अनुसार हम कर्ण निकाल लेते। तो लगातार क्या करते, पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है बच्चा, क्या होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है बच्चा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है, देखो लंब, लंब मतलब सीधा होता है, उसे लंब हो गया, नीचे जो बेस फिर होता है उसे आधार कहते हैं, जो तिरछी लाइन होती है उसे कर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, बात ये। ठीक है, तो अब क्या है कर्ण कितना अपन को पता है, तो कर्ण तो ज्यों कहते हैं लिखी रहने देंगे। ठीक है, लंब कितना दिया, तो आपको लंब दिया 5, तो हमने कहा 5 का स्क्वायर करो, मैंने कहा फिर आधार कितना दिया, तो आपने आधार भी हमें दे रहा 12, तो मैंने कहा 12 का भी स्क्वायर करो। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5 का वर्ग 25 और 12 का 144 कर्ण स्क्वायर। मैंने कहा इन सबको जोड़ दो, जैसे ही आपने इन सबको जोड़ा तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर ये कितने हो जाएंगे 169 इस पर स्क्वायर, इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, क्या चढ़ जाएगा बच्चा रूट, क्या चढ़ जाएगा रूट, तो कर्ण बराबर आ जाएंगे 169 अंडर रूट। तो कर्ण बराबर कितना माना गया 13, क्योंकि 169 कितने का वर्गमूल होता है 13 का, 169 बच्चा कितने का वर्गमूल होता है 13 का, 169 कितने का वर्गमूल होता है बच्चा 13 का, इसलिए अपन 13 को कहाँ निकलिए बाहर निकलिए। ठीक है, तो ये अपना क्या है वर्गमूल। अब अपन को पता चलिए इसकी भुजा आ गई 13, क्या इसकी भुजा आ गई 13। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। शिल्पा कह रही भैया जब तुम इसी से निकाल लेते आधार इंटू ऊंचाई से, फिर ये वाली भुजा गई तुम्हें, मैंने शिल्पा तो किए तो ठीक रही है, लेकिन पहली बात ये तो समझ, अगर मैं इसको नहीं निकालूंगा तो फिर मैं इस वाले त्रिभुज का मान कैसे निकालूंगा, इसका तो क्षेत्रफल निकल जाएगा इन दोनों भुजाओं से, लंब और आधार से, लंब और आधार से
अब चाई को जो भी आधार जो वो चाई चाई को लंबी कहते हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन इसका कैसे निकालेगी ये बता। कह रही हाँ मैं समझ गया ना बच्चा, इसीलिए इसको निकालना पड़ा कि इसका त्रिभुज का नहीं निकाल पाते, ठीक है। इसका तो अपन निकाल लेते, तो अपन क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अगर कर्ण कीजिए, कर्ण ये था 1300 पर नहीं था लिख दिया, ठीक है। तो एक बटे दो लिखेंगे, आधार कितना है तो आप कहोगे 12, मैंने ऊंचाई कितनी आप कहोगे 5, 2 6 12 6 5 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ गया बच्चा, क्षेत्रफल आ गया है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ चुका बच्चा, क्षेत्रफल आ चुका है। अब अपन को निकालना है इसका, तो इधर लिख लेते त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी। तो ए सी डी में ए बराबर मान लेते मान लो 15, बी बराबर मान लेते 13 और सी बराबर मान लेते 14। तो अपन पहले क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं बच्चा, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए सी डी का अर्ध परिमाप, का अर्ध परिमाप क्या बच्चा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर आप सब जानते हो क्या होता है, ए प्लस के बी प्लस के सी बटे टू। सूत्र मेरे साथ बोले तो आपको याद हो जाएंगे, ए का मान है 15, बी का मान देखो जे लिखे 13 और सी का मान कितना है 14। मैंने इन मानों को बच्चों कहीं से ही लिखा, इस त्रिभुज से ए सी डी की बात हो रही तो 15 13 14 में लिखी, ठीक है। कहीं से कोई जादू नहीं है, ठीक है बच्चा। नीचे दो, इन सबको आप जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 28 4 32 42। तो 42 बटे कितने आ जाएंगे, दो दो से काटेंगे तो कितना आ गया 21, 21 आया। तो जी काय का मान आ गया अपना एस का, एस का मान कितना आ चुका है इसी 21, एक्स का मान जो बच्चा कितना है 21। तो बस इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिख देंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर। तो अंडर रूट में क्या होता है, कोष्ठ एस, कोष्ठ में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको मानों को रखना है। क्या रखना है बच्चा, मान जो भी आपको मान दिया उस मानों को रखो। तो एस बराबर कितना निकला आपको, 21 गुणा का चिन्ह लगाए, एस बराबर कितने हैं 21 माइनस ए का मान कितना आपने कोई 15 है ए का मान, फिर गुणा का चिन्ह लगाए, एस का मान कितना आपको, एस का मान तो 21 है भैया। मैंने कहा बी का क्या, बी का तो 13 है, मैंने ठीक है। मैंने कहा एस का कह रहा 21 तो है भैया, मैंने कहा सी का कह रहा 14 है, मैंने रख दो भैया, फिर जब तुम्हें सही पता है। तो जी अब इसको खोलेंगे तो जी 21 आएंगे, घटाएंगे तो कितने बचेंगे आप कहोगे 6 बचेंगे, इधर घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, मैंने इधर घटाओ तो कितने बचे कह रहे 7 बचे, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कर लो, तो जैसे हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे 37 21, इसको लिखेंगे 3 2 6 और 8 को क्या लिखेंगे 2 2 4 4 2 8 और 7 तो 7 ही रहेंगे, ठीक है। मैंने कभी इसमें से ले लूँ तो देखो 3 3 3 बाहर आ गया, 7 देखो 7 से 7 बाहर आ गया, देखो 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और इस 2 में से कितना 1 2 बाहर आ गया। तो 2 2 4 4 3 12 12 7 84, तो इसका क्या आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल बच्चा कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आया, इसका कितना था आपका, वही 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, क्या करो दोनों को जोड़ दो। तो लिखेंगे कौन सा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों को जोड़ दो। तो 84 प्लस के कितने जोड़ने 30, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 3 14, यानी 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, 114 सेंटीमीटर में दिया। तो बच्चा मीटर में दिया तो मीटर कर लो, क्या दिया बच्चा मीटर में लिखा था, उधर मैंने लिखा बच्चा मीटर में, वो ध्यान नहीं किया मैंने, तो मीटर कर लो, इधर मीटर दिया ना बच्चा, आंसर मीटर में आएंगे। शिल्पा कह रही भैया आंसर तो मीटर में आ रहा, तो मैंने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, मीटर कर ले, इधर मीटर लिख दो, इधर मीटर स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत आपको भी कोई। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 9, मैंने जैसे ही प्रश्न नंबर 9 लिखा, शिल्पा कह रही भैया आपने अभी 6वां छोड़ दिया था, 8वां भी छोड़ दिया, तो शिल्पा ऐसा है कि देखो मुझे कहीं जाना है, ठीक है, इसलिए अर्जेंटली। तो जो आपका 6वां 8वां 10वां 11वां ये चारों प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, इस वीडियो में सिर्फ 9वां क्वेश्चन करके इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सवालों को समझे, देखो क्या कह रहा कि एक आयताकार मैदान की लंबाई, भाई सब एक आयताकार मैदान है उसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिया, हमने कहा ठीक है घर की बात है बढ़ा दो भैया। फिर कह रहा है इसकी चौड़ाई को 50% घटा दिया, चौड़ाई को 50% घटा दिया, कह रहा तब हमें एक नया आयताकार मैदान प्राप्त हो, तो कह रहा है तुम उसकी लंबाई को बढ़ा दो और चौड़ाई को घटा दो, और फिर जो उससे एक तुम्हें नया क्या प्राप्त होगा आयताकार, भाई साहब तुम लंबाई को बढ़ा दो और चौड़ाई को कम कर दो तो नया क्षेत्रफल प्राप्त होना, वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो नए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तब नए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा वो अपन को निकालना है। तो अपन ने माना 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 आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई क्या है बच्चा एक्स, ठीक है, और आयत आयत की चौड़ाई बच्चा, आयत की चौड़ाई क्या मानो, जब पता नहीं है तो आप कहोगे भैया भाई मान लेंगे इसको, इनका क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा इनका क्षेत्रफल, तो आप सब कहोगे क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात आती है कि जी तो आगे अपना क्षेत्रफल, अब बात कर रहे हैं वो कि 50% बढ़ाया जाता है,
तो क्या है नया, अब जो नया जो नया बना रहे ना उसकी नई कंडीशन लिखते हैं, तो क्या है नए क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि, नया अब इधर लिखें लंबाई में 50% की वृद्धि। अब बताओ, अब देख समझना, देखो लंबाई 50% की वृद्धि, तो पहले लंबाई क्या थी आपका, हुई है x, क्या होगी x, और हर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है बच्चा, हर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब उसका 50% कह रहा है, 50% का मतलब है कि x बटे दो, 50% का मतलब किसी चीज़ का आधा होता है, तो इसीलिए उसमें x प्लस को जोड़ेंगे, x बटे दो को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो वृद्धि कर रहा है इसीलिए इसको जोड़ेंगे, x प्लस टू को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 50% कह रहा है, इसीलिए हम 100% का आधा कर देंगे तो कितना होगा 50% होगा। आपको समझ में नहीं आ, तो 50% लिखा, ठीक है समझ, x का तो 50% करना है, वृद्धि कर रहा तो किसी लिखोगे नहीं लिखोगे आपने, हाँ भाई ऐसे लिखेंगे ठीक है तो 50% ये कर रहा है, तो हटाओगे तो प्रति नीचे कितने 100 बढ़ाओगे, तो 50 कम 50 देते, 1/2 आ गए, और आप 50% डायरेक्ट वृद्धि लिखते हो, यानी x की 50% वृद्धि का मतलब है 150%, तो 150/100 लिखोगे तो काट दोगे तो 50 3/2, यानी कहने का 3x/2 इसका डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट अगर 50% वृद्धि करके लिखते हो तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 3x/2, और अगर 50% वृद्धि करोगे तो सिर्फ x/2 आएगा बच्चा, ठीक है आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, इसीलिए मैंने इसको x/2 लिखा। फिर भी कोई दिक्कत हो आपका भाई आपके साथ खड़ा, आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 2x/2 तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x/2, तो जी इसका आगे लंबाई, अब बात कर लेते किसकी चौड़ाई की, चौड़ाई, अब चौड़ाई में क्या कर रहे हैं जी, 50% की कमी, तो चौड़ाई 50% की बात कर रहा, तो अपनी चौड़ाई क्या थी बाई, और बाई का मान इसका 2/2, तो इनका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस के 2/2, घटेंगे तो कितना बचेगा 2/2, तो ये क्या आ गई चौड़ाई, और ये आ गई लंबाई ने वृद्धि और कमी के साथ। अब क्या आ गया नया क्षेत्रफल, तो नया क्षेत्रफल आपका क्या होगा बच्चा, आयत का लंबाई कितनी है 3x/2, चौड़ाई कितनी है 2/2, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/4, कितना होगा बच्चा 3x/4, कितना होगा 3x/4, तो जी आपका आ गया नया क्षेत्रफल इतना प्राप्त हो रहा, पुराना क्षेत्रफल कितना था x y, तो अपन इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा घटा देंगे, इसको क्या कर देंगे बच्चा घटा देंगे, तभी तो अपन पता चलेगा ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे xy, अपन लिखेंगे पुराना क्षेत्रफल माइनस नया क्षेत्रफल, तभी तो पता चलेगा कितना क्षेत्र बचा, तो पुराना क्षेत्रफल कितना था, तो आप सब कहोगे ये एक्स वाई था पुराना, तो मैंने कहा नया कितना आ जाओ 3x/2, तो इसका अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको हुई x 4xy, कितना आ गया बच्चा 4xy-3xy/4, अब इसको घटाएंगे तो अपन कितना बचेगा आपको हुई xy/4। अब मैंने कहा किसी चीज़ को अगर प्रतिशत बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं और 100 का भाग, 4 से इसको काटेंगे 4 से कटेगा 25 बार, जो 1/100 होता है उसका मतलब प्रतिशत होता है, तो कहना एक्स का कितना लिखेंगे इसे 25%, तो x का 25% बच्चा आपका क्या है बच्चा परम सत्य आंसर है। अपन को क्वेश्चन में यही नहीं पूछा गया था कि कमी हो रही कि वृद्धि हो रही, तो अपन इसको बता दे कमी है वृद्धि हो रही, इसलिए आपका जी आंसर क्या है सही है, नए क्षेत्रफल का मैदान, तो जिस क्षेत्रफल है तो उसका क्या होगा जी मैदान, अब जो कमी मम्मी उसे कुछ भी नहीं पूछी, जैसा प्रश्न था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया ठीक है। मैं प्रश्न में इसको लिंक करना था कि पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, उसे लिख कर आपको क्लियर देना पड़ता कि इसमें कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही, तो अपन उसको बता देते कमी हो रही कि वृद्धि हो रही ठीक है। तो ऐसी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट तुरंत करें, मैं उसका समाधान करने का बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास करूं। कोई भी कमी लगती तो आप तुरंत कमेंट करें भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप गलत बता रहे हो, तो मैं उसको भी सुधारने का प्रयास करूंगा, अगर गलती होगी तो नहीं होगी तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अच्छे से समझ सके, बस और क्या है, आप सब भाइयों का प्यार और बहनों का प्यार है जिसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग ऐसे ही प्यार बना तो बहुत जल्दी हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिसका आपको और मेरा, आपको और हम सबको इंतजार है ठीक है। तो आप सबसे बता लेता हूं भाइयों, वीडियो को शेयर करते रहें, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।